एक बार फिर से एक्स आईपीएस बसंत राज जी जो हैं वो सुर्खियों में हैं। आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से सोशल साइट्स पर जो हैं एक्स आईपीएस बसंत राज जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने अपने सोशल हैंडल पर जो है कुछ चीज़ें साझी की हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, और अपने मीडिया अकाउंट पर जो है एक बार दोबारा से सक्रिय हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि बसंत राज जी ने क्या वहां पर लिखा है, और इस बार उन्होंने इच्छा जो जताई है वो भाजपा को लेकर नहीं जताई। आपने कई सारे वीडियोस एक्स आईपीएस बसंत राज जी की देखी होंगी जहां पर उन्होंने बार बार बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने की उम्मीद जताई। ये कहा कि बाबा मैं अब कश्मीर घाटी से या जम्मू कश्मीर से बीजेपी के लिए चुनावों में खड़ा होना चाहता हूं। हालांकि इस सवालों को लेकर जब भाजपा से पूछे गया कि क्या आईपीएस बसंत राज जो हैं वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, तो हर बार की तरह प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र राणा जी ने ये कहा कि हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं, लेकिन ये पार्टी हाईकमांड का फैसला है। इस बार अपने फेसबुक की बात करें बसंत राज, उन्होंने क्या लिखा है वो आप तक हम पढ़कर बताते हैं। और इस बार उन्होंने एक चिट्ठी जो है वो डीजीपी साहब को लिखी है, और चिट्ठी में लिखा है, डियर एक्टिंग डीजीपी रश्मि स्वेन जी, जय जगन्नाथ जी, आई इंटेंड टू कंपेन फॉर द कांग्रेस पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट्स इन द फोर्थ कमिंग लोकसभा इलेक्शंस इन जे एंड के लद्दाख। आई विल विजिट मोस्ट टाइम ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स टू एंगेज विद द वोटर्स फ्रॉम मंडे। आई वॉन्ट टू एक्सपोज द डर्टी डीड्स ऑफ द डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दविंदर सिंह राणा, कविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल गैंग। आई हैव डन माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड माई कंसर्न्स फॉर माई सिक्योरिटी। यू आर टू इनमोम्ड विद योर फोटो सेशंस मेड फॉर न्यूज़पेपर्स लाइक, हालांकि उस न्यूज़पेपर का नाम भी लिखा है। हर बार बसंत रथ की बात करें सुर्खियां बटोरते हैं अपने सोशल हैंडल्स के जरिए, और इस बार भी उन्होंने यही किया है, और ये साफ तौर पे कहा है कि देखिए जो इच्छा जताई जाती थी भाजपा में ज्वाइन करने की, अब लगता है कि उनको लगता है कि भाजपा उनको अपने खेमे में नहीं लेगी। जो बार बार ये इच्छा जताते थे बसंत रथ कि अब मैं सियासत में आना चाहता हूँ, मैं लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ, जिस तरीके से ड्रग्स इतना फैल चुका है, उड़ता पंजाब मूवी आपने देखी थी, और मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर से ड्रग्स ख़त्म किया जाए, और उसके चलते एक जो फेसबुक हैंडल पे जो है एक रिक्वेस्ट की है कि मैं आगामी लोकसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कांग्रेस पीडीपी एनसी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए सोमवार से लग जाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि अधिकांश ब्लॉकों और जिलों का दौरा मैं करूँगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, दविंदर सिंह राणा, कविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह गैंग की गंदी करतूतों का मैं पर्दाफाश करूँगा। तो ये आज बसंत रथ की बात करें उनके सोशल मीडिया हैंडल पर आज सुबह की सबसे बड़ी है, उस समय वायरल हो रही है। और ये भी कहा, मैंने अपनी सुरक्षा के प्रति अपनी चिंताओं को आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आप जो है एक अखबार में, जो निजी अखबार की बात करें तो वहाँ पर फोटो सेशन से बहुत प्रभावित हुए होंगे, लेकिन अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। यानी एक तरफ कुछ लीडर्स के नाम लेकर, कुछ बड़े लीडर्स के नाम लेकर उनका पर्दाफाश करने की बात पूर्व आईपीएस बसंत राज जी कर रहे हैं, और वहीं पर ये कह रहे हैं कि मैं आने वाले चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस के लिए जो है वो कंपेनिंग करता नजर आऊंगा। तो हम ये मान के चले कि भाजपा ने हरी झंडी आईपीएस बसंत रथ को, एक्स आईपीएस बसंत रथ को नहीं दी, इसीलिए अब वो चाहते हैं कि मैं सियासत में आने का मन बना बैठा हूं, अब अगर बीजेपी के दरवाजे बंद हैं, वो नहीं लेना चाहती, तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुनाव लड़ूं या पीडीपी से चुनाव लड़ूं या कांग्रेस से चुनाव लड़ूं। क्या ये पार्टियां अब आने वाले समय में आईपीएस बसंत रथ को, एक्स आईपीएस बसंत रथ को अपनी
खेमे में डालेंगे, और अगर डालेंगे तो किस तरफ से बसंतराज जी जो है वो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने चौधरी लाल सिंह जी का नाम कठुआ उधमपुर में अनाउंस कर दिया है, और रमन भल्ला जी का नाम जो है वो जम्मू रियासी सीट में अनाउंस कर दिया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन से लिए। तो साफ तौर पर यह भी कहा गया है नाम लेकर बकायदा फेसबुक पर कि डॉक्टर जतेंद्र सिंह, दविंदर सिंह राणा, कविंदर गुप्ता, निर्बल सिंह गैंग के पर्दाफाश मैं करूंगा। तो इस तरीके से एक पोस्ट बसंतराज जी के अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जो है वो डाली गई अब से मात्र 7 घंटे पहले, और ये भी कहा कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मुझसे मत कहना कि हमने आपको सचेत नहीं करवाया। ये डीजीपी साहब को जो है वो चिट्ठी लिखी गई है। कुछ और चीज़ों का भी जिक्र किया गया है, आपको और आपकी टीम के लिए अनचाही प्रतिक्रिया का एक अंश है। जब यूटी में ड्रग माफिया के खिलाफ लड़ने की बात आती है तो आप लोग मिस्टर फॉर्मर डीजीपी मिस्टर कुछ ऐसे अधिकारी नाम है, कृपया जीएनके में ना बदलें इसको, आपके कुछ अधिकारी समस्या का हिस्सा हैं। अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो मुझसे मिलें, मैं जम्मू का एसएसपी रहा हूं और मेरे कार्यकाल जो है काफी लंबा रहा है बाकी एसएसपी से। तो साफ तौर पर ये जो एक्स आईपीएस बसंतराज जी ने अपने सोशल हैंडल पे लिखा है ये इशारा क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आपको मालूम होगा बसंतराज जो हैं वो कई बार पूर्व डीजीपी दिलबाग सिंह जी की बात करें उनको लेकर जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव नज़र आए हैं, और कई बार हमने आखिरी जो इनकी वीडियोस देखें डीजीपी दिलबाग सिंह के खिलाफ जो है वो यूनिवर्सिटी के बाहर की थी। उसके बाद जो है जो बार बार ये डिमांड करते थे कि मुझे इससे जो है राहत दी जाए, उसके बाद ये सस्पेंड भी हुए और अब सियासत को लेकर इनकी दिलचस्पी जो है वो बार बार सोशल मीडिया पे देखने को मिली। लेकिन आईपीएस बसंतरथ की बात करें, एक्स आईपीएस बसंतरथ की, वो आए दिन चर्चाओं में और सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन इस समय की बड़ी खबर कि अभी के डीजीपी साहब को अपने सोशल हैंडल के जरिए ये बताया गया है कि देखिए जी सोमवार यानी कल होली है, पूरा देश होली मनाएगा, कल से मैं पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए लोगों के घर घर जाकर ब्लॉक में जाकर कंपेनिंग करता नजर आऊंगा, और जितने भी बड़े नाम हैं भाजपा के, चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हों, चाहे देवेंद्र सिंह राणा हों, चाहे पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हों या निर्मल सिंह हों, इन सबके मैं काले चिट्ठे बार करूंगा, अगर मेरे को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। क्या ये कहना चाहते हैं? खैर, आम जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखने चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।